हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल LNU पर। दोस्तों, बचपन में हम सभी को झूले पर बैठने का शौक तो होता ही है। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर एम्यूजमेंट पार्क और मेलों में लगे झूलों में बैठकर अपना मन बहलाते हैं, पर हर बार हमारा मन हमें कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग राइड्स ट्राई करने के लिए कहता रहता है। तो आज ऐसे ही डेयरिंग और झूलों के शौकीन लोगों के लिए हम दुनिया भर के कुछ ऐसे खतरनाक झूलों की वीडियोस लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। और इनमें से कुछ राइड्स तो इतनी खतरनाक हैं कि उन पर बैठने से पहले आपको इंश्योरेंस तक कराया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस वीडियो को भी आप 5000 लाइक्स देकर हम तक अपना प्यार यूं ही पहुंचाते रहिएगा। तो आइए अब चलते हैं एक अनोखे सफर पर। दोस्तों, अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता है और शहर के खूबसूरत नजारे को देखने का मन करता है तो आपको ये कमाल की राइड जरूर पसंद आएगी। शिकागो में मौजूद इस अनोखी राइड का नाम है द डिल्ट और ये एक ऑब्जर्वेशन बेल्ट है। यहाँ से आप पूरे शहर की खूबसूरती का नजारा एक उड़ती हुई चिड़िया के समान ले सकते हैं और जॉन हैंकॉक टावर के 94th फ्लोर पर मौजूद लोगों को वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए सक्षम है। ये 8 लोगों को एक बार में पूरे 130 डिग्री के कोण पर टिल्ट कर देती है और इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। इसका ग्लास पूरी तरह से सेफ है और अगर आप कभी शिकागो जाएं तो इस राइड का मजा जरूर लीजिएगा और हमें कमेंट में आकर बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये रोलर कोस्टर दुनिया के सबसे खतरनाक और घुमावदार रोलर कोस्टर में से एक है जिसका नाम है द टेम्पेस्टो, जिसको वर्जीनिया के एक एम्यूजमेंट पार्क में बनाया गया है। हर साल ये डेडली रोलर कोस्टर हजारों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस खतरनाक रोलर कोस्टर पर बैठने के बाद कई लोगों की सच में तबीयत भी खराब हो जाती है और उन्हें राइड के समय भी उल्टियां आने लगती हैं। ये रोलर कोस्टर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इन घुमावदार पटरियों पर करीब 140 मीटर की ऊंचाई तक हासिल कर लेता है। बताया जाता है कि कई लोग इसमें सफर करने के वक्त बेहोश तक हो जाते हैं और जो होश में होते हैं उनको भी चक्कर और तबीयत बिगड़ने जैसी शिकायत लगी रहती है। आप में से भी कई लोगों को ये वीडियो देखने पर चक्कर आ रहे होंगे, तो सोचिए झूले पर बैठने वाले लोगों की क्या हालत होती होगी। दोस्तों, इस अनोखे रोलर कोस्टर की राइड लेना हर कोई पसंद करता है क्योंकि यहाँ मिलने वाली खूबसूरती का नजारा सबका मन मोह लेता है। स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पर बना ये अल्पाइन कोस्टर देखने के लिए लोग जितने उत्सुक रहते हैं उतना ही ये खतरनाक भी है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के ब्रेक्स मौजूद नहीं हैं। इसको रोकना अपने हाथों में नहीं होता है। इसका बेहद लंबा और घुमावदार ट्रैक लोगों को अपने बचपन की याद दिला देता है और आपकी जरा सी भी चूक इस रोलर कोस्टर से आपको उठाकर बाहर फेंक सकती है जिससे आपको सीरियस इंजरीज भी हो सकती है। दोस्तों, पेश है आपके सामने स्काई टावर जो डेनमार्क के एडवेंचर के खास शौकीन लोगों के लिए बनाया गया है। इस राइड का मजा कुछ इस तरह लिया जाता है कि लोगों को 100 फीट की ऊंचाई पर एक हार्नेस से टांग दिया जाता है और फिर इस हार्नेस को खोल दिया जाता है जिससे लोग 90 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे बंधे हुए नेट में गिर जाते हैं। ये राइड कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस राइड में आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप जमीन पर गिरकर मर जाएंगे, पर ये मजबूत नेट आपको जमीन पर गिरने से बचा लेते हैं। तो आप में से कौन कौन इस खतरनाक राइड को ट्राई करना चाहता है अपना नाम हमें कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, अगर आप एक्सट्रीम राइड्स के दीवाने हैं और अगर हर टाइम कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये कमाल की राइड आप ही के लिए है। ये पेंडुलम राइड आपको 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में आपको 150 फीट की ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम है या एक पेंडुलम की तरह दोनों तरफ गोल गोल घूमती रहती है। ये राइड देखने में जितनी मजेदार लग रही है आपको असल में उतनी होती नहीं है। इसमें बैठकर कई बच्चों की तबीयत भी बिगड़ जाती है। दोस्तों, जापान में बने इस कमाल के अम्यूजमेंट पार्क का एक ऐसा रोलर कोस्टर है जो लोगों को अंडरग्राउंड टनल में ले जाता है और इसको देखने में ऐसा अनुभव होता है कि आप पानी के अंदर जा रहे हो। ये राइड आपको सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं ले जाती पर 114 फीट की खतरनाक ऊंचाई पर भी ले जाती है और वहाँ से बहुत तेज स्पीड से नीचे भी ले आती है। इस राइड पर बैठकर आप सड़क पर चलती हुई गाड़ियों और शहर की बहुत ही खूबसूरत नजारे को भी हवा में उड़ती हुई एक चिड़िया के समान ले सकते हैं। ये राइड हमारी बाकी राइड की तरह इतनी खतरनाक तो नहीं है पर ये इतनी मजेदार है कि हम इसे आपको दिखाने से अपने आप को रोक नहीं सके।
रोमांच के दीवाने और दिलेरी लोगों के लिए बनी एक खास राइड के बारे में हम जितना भी बताएं उतना ही कम होगा। ये बेहद खतरनाक रोलर कोस्टर राइड लास वेगास के एक टावर के ऊपर बनी है। 50 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक पहुंचने वाली ये राइड लोगों को जमीन से 900 फीट ऊपर बिल्डिंग के एक छोर पर लटका देती है। ये राइड अब तक की सबसे ऊंची राइड होने का रिकॉर्ड भी रखती है। इस पर बैठकर लोगों को ऐसा महसूस होता है कि रोलर कोस्टर किसी भी वक्त बिल्डिंग की छत से उन्हें नीचे गिरा देगा और उनके दिमाग को यही चीज बार बार उत्सुकता देती रहती है और इसी वजह से वो लोग इस राइड का मजा लेने के लिए बार बार यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, रॉयल राइस रोलर कोस्टर कोलोराडो में मौजूद है। ये राइड 350 मीटर गहरी खाई के ऊपर बनी हुई है जो इसे अपने आप ही एक्सट्रीम बना देती है। इस खतरनाक ऊंचाई पर लोगों को हार्नेस से बांधा जाता है और फिर एक स्पेशल मैकेनिज्म से इस हार्नेस को एक अनोखी केबल से अटैच कर दिया जाता है जो लोगों को सुरक्षित रखती है और इसके बाद हार्नेस को खोल दिया जाता है जिससे लोग इस बेहद खतरनाक और डेडली राइड का मजा ले पाते हैं। ये पतली सी केबल लोगों को इस पूरी राइड में सेफ रखती है और लोगों को फ्री फॉल का एक्सपीरियंस भी कराती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे कुछ अनोखी जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।